एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल लॉफर। मेरा नाम है शाहबाज। तो अभी मैं हूँ श्रीनगर में और अभी मॉर्निंग का हो रहा है 6:30 ऑलमोस्ट। तौसिफ भाई अभी आ रहे हैं अपन को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट, और अपनी जो फ्लाइट है वो है 9:30 बजे की। तो यहाँ का एयरपोर्ट पर थोड़ा चेकिंग प्रोसीजर कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग। अभी अपने पास 3 घंटे हैं ऑलमोस्ट वैसे फ्लाइट के लिए, तो अभी निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। बैग वैग पूरा पैक हो चुका है, सारा सामान एक ही ट्रॉली बैग में डाल दिया है अपन ने। बाकी बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ कुछ, क्योंकि रात को भी बारिश हुई अच्छी खासी। सो गाइस, ऐसा कुछ नज़ारा है बाहर का। सी सामने मस्जिद है माशाल्लाह हो रही है, और देख सकते हो आप कितनी शांति है, सुकून, और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, एकदम सुकून वाला, ठंडा ठंडा हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश नहीं हो रही है फिलहाल। पर चलो खैर, निकलते हैं और मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पे श्रीनगर। वेट रहा हूँ फाइनली लगेज वगैरह रख के। चलो भाई, एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। सो ये आखिरी कुछ लम्हे हैं हमारे श्रीनगर में आज 19 सितंबर। स्टॉप ले लिया मैंने अभी 5 मिनट के लिए, क्योंकि नाश्ता वास्ता कुछ किया नहीं है, तो थोड़ा एक चाय वाय तो पी लेते हैं यार, लास्ट डे ऑफ श्रीनगर, इसके बाद डायरेक्ट एयरपोर्ट निकलेंगे फिर। ये श्रीनगर एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पहले चेकिंग होती है, तो वहाँ पर पूरी मशीन लगी हुई है वहाँ पर, तो सारी चीज़ें वहाँ पर चेक होती है। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर अंदर एयरपोर्ट है, फिर अब एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब देखो अंदर क्या क्या चेक होता है। एयरपोर्ट में एंटर कर चुका हूँ फाइनली मैं, और अभी चेक इन में दे देते हैं, पहले लगेज सबमिट कर देते हैं अपना बड़ा ट्रॉली बैग, उसके बाद आगे चलेंगे। बोर्डिंग पास वगैरह चेक हो चुका है एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट में, अपन आ चुके हैं एंट्री कर चुके हैं। ली चेक इन काउंटर पर आ चुका हूँ मैं एयर इंडिया का, ठीक, और यहाँ पर चेक इन कराते हैं मेरा ज़रा। बाकी एयरपोर्ट खाली से ही पड़ा है ऑलमोस्ट। मैं चेक इन करने जा रहा हूँ अपने प्लेन में, जब बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। क्या नंबर है, गेट नंबर है अपना, और कहाँ है गेट नंबर, गेट नंबर 6। श्रीनगर एयरपोर्ट पे आकर यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स बने हुए हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हो कुछ, बट यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, तो यही चीज़ आपको बाहर बहुत सस्ते में मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है ना, ऑलमोस्ट जो चीज़ बाहर 100 की है ना, वो यहाँ पर अराउंड आपको 500 की मिलेगी। तो यहाँ से एंटर कर चुका हूँ अंदर, और टाइम हो गया 9:40 हो गया टाइम ऑलरेडी। और ऐसा कुछ प्लेन है अपना एयर सी एयर इंडिया का प्लेन, अभी चल रहे हैं प्लेन के अंदर। आगे बैठ चुका हूँ फाइनली 21A, या फिर से विंग आ गया, बिल्कुल विंग के पास सीट आई है। 29 लेनी चाहिए थी पीछे, देखो सी अच्छा व्यू नहीं आएगा यहाँ से। It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out the door.
the figure on the wall. So many times I heed the call. So guys, finally Delhi airport land कर चुका हूँ और time हो रहा है almost 11:30. time से 10 मिनट पहले ही flight land कर गई है अपनी. चलते हैं अब घर पे. तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ मैं. तो मिलते हैं आपसे आने वाले ब्लॉग में. बाकी कश्मीर का ट्रिप अपना 7 days का रहा. तो ये ट्रिप कैसा लगा आपको, ब्लॉग्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना. थैंक यू सो मच. अब तक के लिए टाटा बाय बाय. It's the silence of the room.